अध्यापक बोले, तुम बड़े होकर क्या करोगे? छात्र बोला, शादी। अध्यापक बोले, नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे? छात्र बोला, दूल्हा। अध्यापक बोला, ओह, तुम बड़े होकर क्या हासिल करोगे? छात्र बोला, दुल्हन। अध्यापक बोले, अबे, मेरा मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? छात्र बोला, बहू लाऊंगा। अध्यापक बोले, हरामखोर, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? छात्र बोला, पोता। अध्यापक, हे भगवान, अभी जिंदगी का मकसद क्या है? छात्र बोला, हम दो हमारे दो। टीचर एक मड़वारी स्टूडेंट से बोला, कबीर का कोई दोहा सुनाओ। स्टूडेंट बोला, कबीर सालो बाबरो, दोहा दियो बनाए, खुद सो सालो खिसक गयो, मने दियो फसाए। अध्यापक बोले, तुम कैसे सीध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र बोला, सर, आज तक किसी बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते हुए देखा है क्या? एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर, अंग्रेजी के अध्यापक तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? गणित के अध्यापक बोले, ज्यादा 3-5 मत कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख दूंगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। बॉयफ्रेंड बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड बोला, एक बीबी और 3 बच्चे। एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। एक नौजवान बोला, चांद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया? लड़की बोली, अरे, उल्लू तो रात को बोलता था, आज दिन में कैसे बोल रहा? कोयल ने पूछा कौए से, अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? कौआ बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है, तो शादी के बाद कितनी होगी? स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता रहता है, का अर्थ स्पष्ट करो। पप्पू बोला, बीबी हमेशा घर में होती है, साली तो आती जाती रहती है। मास्टर जी भी हो